सो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे गाइस। अगर आप एक सीएससी बेल हैं और आप सीएससी के माध्यम से नया आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। गाइस, सीएससी की तरफ से यहाँ पे जो नया आधार कार्ड बनाने का काम है और जो बच्चों का आधार कार्ड बनाने का काम है, इसको लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है जिसके बारे में हम आप सभी को वीडियो के आगे बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह और भी बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल में डेली अपलोड होता रहता है। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए फिर पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर जैसे आप सभी को पता है कि अभी जो आधार सीएससी से जो आधार मिल रहा है, जो यूसीएल मिल रहा है, उसके ऊपर आप नया आधार कार्ड नहीं बना सकते। यानी कि अगर आप एक सीएससी भी लिए हैं और आप सीएससी से आधार यूसीएल लिए हैं तो आप अभी सिर्फ आधार का अपडेट की काम मतलब अपडेट का काम ही कर सकते हैं। अगर आप एक नया आधार कार्ड बनाना मतलब बनाना चाहते हो तो फिर वो आप नया आधार कार्ड बना नहीं सकते हो, या फिर किसी का आधार का बायोमेट्रिक जो अपडेट करना होगा वो भी आप नहीं कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास कोई बच्चा मतलब किसी का मतलब माँ बाप बताए और बोल देंगे उनके बच्चों का मतलब आधार कार्ड बनाने के लिए, वो काम भी आप नहीं कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि ये काम मतलब कई राज्यों में मतलब कुछ कुछ राज्यों में अभी तक शुरू हो चुका है। कई राज्यों में जो BLE हैं वो नया आधार कार्ड मतलब बना भी रहे हैं, और जो बच्चों का आधार कार्ड का काम है वो टेबलेट के माध्यम से भी कर रहे हैं। तो सभी राज्यों में कब तक शुरू होगा और किन किन BLE को मिलेगा, तो कहीं सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप एक सीएससी BLE हैं और आप यूसीएल लिए हैं तो आपको नया आधार कार्ड बनाने का काम या फिर बच्चों का आधार कार्ड बनाने का काम नहीं मिलेगा। तो अगर आप एक नया आधार बनाने का काम करना चाहते हो तो आपको बच्चों का आधार कार्ड का काम नहीं मिलेगा, या फिर अगर आप मतलब बच्चों का आधार कार्ड का काम बनाना चाहते हो तो फिर आपको नया आधार कार्ड बनाने का काम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप आधार का यूसीएल लेना चाहते हो और आप आधार का नया कार्ड बनाना भी चाहते हो, मतलब अगर आपके पास मतलब अभी फिलहाल यूसीएल है और आप नया आधार कार्ड बनाने का काम करना चाहते हो, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई आपका जो आधार का यूसीएल है अभी, उसको मतलब सीएससी के डीएम को डीएम से बात करके आपको उसको कैंसिल करना पड़ेगा, उसका जो लाइसेंस है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर यही बता सकता हूँ कि भाई अभी जो आप तीनों काम है मतलब जो बच्चों का आधार कार्ड बनाने का काम हो, या फिर नया आधार कार्ड बनाने का काम हो, या फिर अभी जो चल रहा है यूसीएल से अपडेट करने का काम हो, ये तीनों में से कोई एक ही काम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपका जो ये नया आधार कार्ड बना सकते हैं, या फिर बायोमेट्रिक अपडेट कर सकते हैं, या फिर ये जो बच्चों का काम आड़ी कर सकते हैं। तो गाइस, अभी बात करते हैं कि नया आधार कार्ड जो कार्ड का बच्चों का कार्ड बना सकते हैं ये आपके राज्य में कब तक शुरू होगा। ठीक है, तो गाइस जैसे आप सभी को बताओ कि भाई कुछ कुछ राज्यों में ये अभी तक शुरू हो चुका है और धीरे धीरे ये बढ़ भी रहा है, और अभी तक यही बताया जा रहा है कि भाई अभी मतलब फेब्रुआरी या फिर मार्च तक पूरा एकदम सभी राज्यों में काम करने लगेगा। लेकिन अभी कुछ कुछ मतलब हमने भी कुछ नोटिस वगैरह सुने थे कि अभी तक फेब्रुआरी के अंत तक भाई आराम से काम हो जाएगा और मार्च के फर्स्ट तक मतलब ये सभी राज्यों में हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज आज का ये वीडियो था। सो आई होप गाइज कि आप सभी को ये हमारा आज का छोटा सा अपडेट जो पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।